What's up guys, welcome back to my channel। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम आप लोगों के लिए धमाकेदार अनबॉक्सिंग लेके आ चुके हैं, जो है एक बेस्ट वायरलेस माइक का अनबॉक्सिंग। गाइस ये जो माइक है वो एक्चुअल में स्मार्टफोन में अटैच करके आप अच्छा खासा साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस वायरलेस माइक का क्या फीचर्स है और इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका साउंड क्वालिटी कैसा देखने को मिलेगा और इस माइक जो है वो कितना डिस्टेंस तक साउंड कैप्चर कर पाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ डिटेल में दिखाएंगे। तो गाइस इसीलिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आप भी अगर सोच रहे हैं कि एक वायरलेस माइक को परचेस करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। इस माइक एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देख के। तो गाइस हम देरी किस बात के कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में गाइस हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं हमारा सैमसंग का A51 का कैमरे से, और हमारा साउंड जो है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसी फोन का माइक्रोफोन से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है आपको नॉइज सुनने को मिलेगा, तो प्लीज उसको इग्नोर कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से इस माइक का जो है वो बॉक्स आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि K9 वायरलेस माइक्रोफोन। और ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली चाइनीज प्रोडक्ट है ये, और इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी दिया गया है, जो है एक वाईफाई वायरलेस माइक। और यूट्यूब के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए और व्लॉग शॉर्ट वीडियो के भी लिए जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका बैक साइड में नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ और फीचर्स देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लग एंड प्ले, और इस माइक को आप 20 मीटर डिस्टेंस तक जो है वो यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा फीचर जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मेड इन चाइना जो है वो लिखा हुआ है बॉक्स के पीछे। तो चलिए हम फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ और देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो पहले से मैं इसको खोल के रखा था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको बॉक्स के अंदर माइक देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को उठा के दिखाता हूँ। ये जो है एक साउंड रिकॉर्डर, इसमें रिकॉर्डिंग होगा, ओके। तो हम इसको रख देते हैं साइड में, और इसके बाद हो गया हमारा रिसीवर, तो हम इसको लगाने वाले हैं हमारा फोन में, और उसके बाद हमारा माइक्रोफोन में जो साउंड रिकॉर्डिंग होगा इधर आके जो है हमारा फोन में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस माइक को आप अगर परचेस करते हैं तो आपको दो माइक देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। और उसके बाद आपको आईफोन में अटैच करने के लिए आपको जो है एक पोर्ट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका क्वालिटी मेरे को बहुत ही जबरदस्त लगा है। और उसके बाद जो है आपको एक क्विक गाइड्स देखने को मिलता है, तो इसको फॉलो करके जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है आपको एक डेटा केबल मिलता है, जो है यूएसबी टाइप सी के साथ। सो इसका भी क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज करना है इसको। तो चलिए हम इस पन्नी को उठा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस दोनों ही माइक का क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअल में बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। तो इस दोनों माइक को चार्ज करने के लिए जो है आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, तो इसको USB Type-C पोर्ट के मदद से चार्ज कर सकते हैं इजीली। तो इसका जो बैटरी बैकअप है गाइस वो 3-4 घंटा तक आपको दे देगा इजीली, ठीक है। और ये हो गया पावर बटन। तो चलिए मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले रिसीवर को आप देख लीजिए, जैसे कि कुछ इस तरीके से आता है, तो मैं इसको भी खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसका भी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस इसको भी चार्ज करना होगा, जैसे कि इधर टाइप सी का पोर्ट आप देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तीनों ही चीज को जो है आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास जो है वो अभी आईफोन 6s है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इस पोर्ट को। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको लगा देना है, और उसके बाद अपना आईफोन में लगाना है। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है आपको अटैच कर देना है, जैसे कि हमारा माइक जो है वो लग चुका है। और उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको कोई भी माइक को जो है वो ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ। तो जब आप इस माइक को ऑन करेंगे तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक करेगा, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जब कनेक्ट हो जाएगा वो ग्रीन लाइट जो है वो जल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा माइक का जो है वो ग्रीन लाइट जल चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए कैमरे से, लेकिन गाइस जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इसी फोन का माइक्रोफोन से, ठीक है।
तो चलिए मैं आप लोगों को इस माइक से साउंड क्वालिटी सुना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से साउंड क्वालिटी सुनने को मिलता है। तो चलिए मैं अटैच कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अटैच कर लेता हूँ और उसके बाद हमारा माइक जो है वो रिसीवर के साथ अटैच हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट जो है वो जल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस माइक को हमारा साथ में अटैच कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो भाई हमारा छात जो है वो मैक्सिमम इधर से 20 मीटर्स के ही आसपास पड़ता है। तो चलिए मैं उसका लास्ट में जाके आप लोगों को साउंड क्वालिटी सुना के दिखाता हूँ। लेकिन गाइस मेरे को लगता है कि जो माइक है वो अगर हम फ्रंट में जाते जाएंगे तो हो सकता है कि साउंड क्वालिटी आपको उतना खास या हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो अटक जैसा सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर फ्रंट में अगर हो जाएंगे तो साउंड क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं रियर कैमरे से और माइक जो है वो हमारे अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को उधर जाके सुना के दिखाता हूँ कि 20 मीटर्स तक जो है वो अच्छी तरीके से साउंड क्वालिटी शूट कर पाता है कि नहीं। और गाइस हमारा घर के पास ही जो है एक रोड पड़ता है और उधर जो बहुत सारा गाड़ी जो है वो जा रहा है, तो उसका भी नॉइस कैंसिलेशन जो है आपको इधर आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में सुनने को मिलता है कि नहीं। तो अभी जो है हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे में जाता हूँ। तो इधर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आ चुके हैं और हमारा छात का एकदम लास्ट में और साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं कि कैसा साउंड क्वालिटी जो है आपको सुनने को मिल रहा है। और गाइस इधर जो है वो बहुत सारा नॉइस आ रहा है, जैसे कि अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हवा भी चल रहा है और रोड का जो गाड़ी वगैरह चलता है उसका भी बहुत सारा साउंड आ रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसा है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा, जैसे कि इसका क्वालिटी तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए सुन के देखते हैं। एक्चुअल में गाइस हम इस माइक को परचेस किए हैं अमेजोन की तरफ से और इसका प्राइस पड़ा है मेरे को 1500। तो उसके हिसाब से गाइस मैं कहूँगा कि साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आप भी अगर इस माइक को परचेस करना चाहते हैं तो हम हमारा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके इस माइक को परचेस कर सकते हो। ठीक है, और गाइस इस माइक का भी एक सेकेंड वर्जन आता है जो है K8 और ये हो गया हमारा K9। तो उसके हिसाब से एक अपग्रेड वर्जन है, तो आप इसी को परचेस कीजिएगा। उसका प्राइस जो है वो मैक्सिमम 1100 है और इसका प्राइस आपको 1500 पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो इस वायरलेस माइक का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल में आप अगर पहली बार हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है गाइस, ताकि हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो कोई भी टाइम में अगर लेके आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपका फोन तक पहुंचे। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल जरूर रखिएगा।